हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ पर बढ़ा विवाद, सांसद नवनीत राणा और विधायक पति रवि राणा गिरफ्तार, देवेंद्र फडणवीस से मांगी मदद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना कार्यकर्ता की शिकायत पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई है। उधर नवनीत राणा ने इस मसले पर भाजपा और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी है। इससे पहले शनिवार को पूरे दिन भारी हंगामे के बाद रवि राणा और सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रोग्राम वापस ले लिया था। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर महाराष्ट्र में बीते दिनों से भारी हंगामा चल रहा है, जिसका आज नाटकीय तरीके से विराम हुआ। शनिवार सुबह 9 बजे राणा दंपत्ति मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मूड में थी। इस घोषणा के साथ ही गुस्साए शिवसेना कार्यकर्ता राणा दंपत्ति के अमरावती और मुंबई आवास पर सुबह पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस के साथ शिवसेना कार्यकर्ताओं की झड़प हुई, बैरिकेडिंग तोड़े गए। काफी देर तक शिवसेना कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर डटे रहे। आखिरकार राणा दंपत्ति को अपना प्रोग्राम वापस लेना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार शिव सैनिकों ने भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में कहा था कि मातोश्री उद्धव ठाकरे का आवास उनके लिए मंदिर जैसा है। ऐसे में उन दोनों का मातोश्री में हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का ऐलान करना भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है, जिस पर नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद मुंबई पुलिस मुंबई स्थित उनके आवास पर पहुंची और दोनों को खार पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। दोनों से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने कंफर्म किया कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है। नवनीत राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो एक सांसद है और उनके पति विधायक है, दोनों देश के जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस द्वारा उनके साथ किया व्यवहार निंदनीय है। नवनीत राणा ने भाजपा और महाराष्ट्र पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी है। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।